महागठबंधन प्रत्याशी सविता महतो, जो कीचागढ़ विधानसभा की उम्मीदवार हैं, चुनाव प्रचार के दौरान नीमडी थाना क्षेत्र के पुड़ियायारा टोला पारकीडीह मुहिमबुरु मैदान में पहुंची। यहां हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि एनडीए गठबंधन ने पिछड़ी जातियों के साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने आगे बताया कि हमारी सरकार ने मैया योजना के तहत एक नया कानून लागू किया, जिसके द्वारा महिलाएं अब प्रतिमाह 1,000 रुपए से बढ़कर 2,500 रुपए तक पा रही हैं। बहुत सी महिलाओं के खाते में यह राशि जमा हो चुकी है और कई लोगों को मोबाइल पर संदेश भी प्राप्त हुआ है। हेमंत सोरेन ने कहा, शहीद परिवार की बहू सविता महतो को भारी मतों से विजयी बनाने की जरूरत है। इस जनसभा में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई और हेमंत सोरेन की बातों को सुना। चलिए अच्छा, आज 2 लाख 3 लाख 2.5 लाखों रुपया लोगों का बिल बकाया हुआ और हम आपको आश्वस्त करते हैं, हम आपको वचन देके जाते हैं, अब 24 घंटा बिजली आएगा, लेकिन आपके घर में बिजली का बिल कभी नहीं आया। और जो बिजली का किसी के ऊपर केस उस मुकदमा हो गया है, सरकार हम बनाएंगे, सविता महतो को जिताइए, वो सारा केस हम लोग वापस ले लेंगे, ठीक है। और इसी ये कड़ी में हमारी महिलाएं बेचारी बहुत मेहनत करती है, हमको कोरोना की लड़ाई में भी हमको बहुत मदद किया और इस कोरोना की लड़ाई में आप लोगों का जिंदगी बचाने के लिए हमको बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा, बहुत बड़ा। हमारे बड़े भाई जैसे हमारे आदरणीय जगन्नाथ महतो जी कोरोना उसको साथ में लेकर चला गया। हमारे साथ मंत्री था हाजी हुसैन अंसारी साहब, उसको भी कोरोना साथ में लेके चला गया। लाख मना करने के बावजूद कि हमने कहा कि घर से मत निकले, ये बीमारी बहुत खतरनाक है, लेकिन उनका मन नहीं माना, बोला गरीब गुरुआ लोग भूखा मर जाएगा। हम बोले उसका चिंता मत करो, उसका पूरा ख्याल हम रखेंगे। और इस लड़ाई में महिलाओं ने गांव गांव पंचायत पंचायत हमारा सरकार का अनाज से खाना बना करके गरीबों को फ्री में खाना खिलाने का काम किया था। और आज उन महिलाओं को मजबूत करने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए मुख्यमंत्री मैया योजना हमने लाया, जो आज इस रात का हर गरीब महिला लगभग 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है मैया लोग, क्या जोर से बोलिए। आप लोग बोलिएगा तो हमको भी ताकत मिलता है काम करने के लिए। और आज हम आपको वादा करता जी को फिर से जिताइए, फिर से सरकार बनेगा और अगले 5 साल के अंदर आप लोगों का खाता में 1,00,000 रुपया पहुंचाने का वादा। और कार में हमने कानून बना दिया है, जो 1,000 रुपया आप लोगों का खाता में जा रहा है ना, वो 1,000 रुपया बढ़ करके 2,500 रुपया होने जा रहा है। अभी कल परसों आपका खाता में आ जाएगा, ये आ रहा होगा, देखिए मैसेज देख लीजिए मोबाइल में आया है, आ रहा है 2,500 रुपया। चलिए वाह, मतलब हम लोग झूठ नहीं बोलता है, जो बोलता है वो करके दिखाता है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहचान है। और आते भैया को आप को नया मिला सिल्ली रे मना आरो रांची रे मना ओना ते नवा खाटो तक अब बुझावा और ये 2 नंबर में तीर धनुष छाप झारखंड का आन बान शान, ये इस रात के आंदोलनकारी शहीदों का ये पहचान, निर्मल महतो जी का ये पहचान, सुधीर महतो जी का ये पहचान, शिबू सोरेन जी का ये पहचान, तीर धनुष छाप 13 तारीख को घर घर से चींटियों की तरह निकलिए और वोट देने का काम कीजिए और शहीदों को सलाम कीजिए और सविता महतो को विजय बनाने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ आप अपनी बातों को समाप्त करेंगे, आप लोग जिताइएगा। भाई सविता महतो ने ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से अपार प्यार और आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके 5 साल के कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के प्रति
ग्रामीणों का रुझान भी साफ तौर पर दिख रहा है। मेरे बड़े दादा भी इस क्षेत्र से सेवा किए हैं, उसका बाद हमारे स्वर्गीय पति भी यहाँ पर सेवा किया और यहाँ के जनता यहाँ के सभी हमारे पति को विधायक भी बनाए और उनको डिप्टी सीएम भी बनाया। और उसी तरह उनके जाने के बाद मैं किस तरह इस राजनीति में आई और राजनीति मुझे भी उसी तरह स्नेह और प्यार देके मुझे भी आशीर्वाद दिए और यहाँ पर मैं सेवा की और मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रही है और मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है फिर से मुझे आशीर्वाद देंगे कि हम मेरे जन इचागढ़ वासी को ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ का काम धरातल में लाए और उनका सेवा कर सके। हाथ ऊपर करके बता देखिए, झारखंड में झारखंड के विकास के लिए, झारखंड वासियों के विकास के लिए अगर आप लोग झारखंड को अपने वीर शहीदों का सपनों का झारखंड बनाना है तो झारखंड में झारखंड की सरकार आपकी अपनी अगुआ सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन की सरकार को लाना है। जो सरकार आपके बिजली बिल को माफ कर रही है, जो सरकार ने किसान ढुके गेलो हेमंत बाबू भरे दू बचर काजे करते लाइन दिल सब समय हेमंत बाबू के बोले एक पेपर टान हाई पेपर टान एक कागज टान हाई कागज टान कथाय जमी कथाय की शेषे जाहिन गिला शेषे कथा का राजा ওই হাই কোর্টের জাস্টিস হাইকোর্টের